हमीरपुर की जिला अदालत ने दोहरे हत्याकांड के मामले में 17 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हत्या का ये मामला 28 साल पुराना है, जिसमें 25 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। इस दौरान 5 आरोपियों की मौत हो गई, जबकि 3 आरोपी अभी फरार हैं। हत्या का ये मामला कुरारा थाना क्षेत्र के चकोटी गांव का है, जहां 15 मार्च 1994 को पुरानी रंजिश के चलते दो लोगों जसवंत और मोतीलाल की धारदार हथियार और गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिस पर वादी मुकदमा रमेश चंद्र ने 25 लोगों के खिलाफ कुरारा थाना में FIR दर्ज कराई थी, जिसमें सुरेंद्र सिंह, राम अवतार, वीर सिंह, राजेंद्र बाबू, दद्दू, विजय सिंह, भूरा सिंह, जाहर सिंह, राजेंद्र सिंह, भीगम सिंह छोटा, ओम प्रकाश, अर्जुन सिंह, भरत सिंह महाराज, लाला पप्पू, संतोष सिंह, शिव बदन, कामता सिंह और छुट भाई के हाथों में असलहे और लाला पुतान सिंह, इंद्रपाल सिंह और सूरज सिंह के हाथ में धारदार हथियार बताया गया था। इसके साथ ही कुछ अन्य आरोपियों के खिलाफ भी 16 मार्च 1994 को FIR दर्ज कराई गई थी। इस मामले में अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजन विजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला 28 साल तक कोर्ट में चला, जिस पर आज SC/ST कोर्ट ने न्यायाधीश मोहम्मद असलम सिद्दीकी ने 17 हत्या आरोपियों को दोषी मानते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा और 30,000 रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई, जबकि फरार चल रहे 3 आरोपियों की पत्रावली अलग की गई है। कुरारा थाने के अंतर्गत चकोठी ग्राम में 2 लोगों का मर्डर हुआ था। उस मुकदमे में 25 लोग नामजद किए गए थे। वो मुकदमा चला, आज माननीय न्यायालय ने 17 लोगों आजीवन कारावास, 30,000 रुपये फाइन, जिसमें 5 अभियुक्त दौरान परीक्षण मर चुके थे और 3 अभी भी फरार हैं, उनकी पत्रावली अलग कर दी गई है। एक जुमनायर था तो किशोर न्याय बोर्ड मुकदमा भेजा गया और आज माननीय न्यायालय ने 17 लोगों को आजीवन कारावास और 30,000 रुपये फाइन। किस न्यायालय से सजा हुई और आपका क्या नाम है? मेरा नाम विजय सिंह, विशेष लोक अभियोजक, SC/ST एक्ट, हमीरपुर। बता दें कि वादी मुकदमा रमेश चंद्र का कहना है कि उसके भाई जसवंत को उसके घर के दरवाजे में गोलियों से छल्ली कर उसकी हत्या कर दी गई थी और आरोपियों ने गांव के ही मोतीलाल को घेर लिया था, जो जान बचाकर रिठारी की तरफ भागा था, जहां फूला के घर में हत्या आरोपियों ने उसे भी घेर कर मार दिया था। हमीरपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट।